अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजीर। सर क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में स्पोर्ट्स इंस्पेक्टर हूँ लाहौर। रेलवे में स्पोर्ट्स इंस्पेक्टर हैं लाहौर के? जी जी। तो कौन सी ट्रेन अभी छोड़कर आए हैं आप जो खड़ी हुई है? अभी सारी चल रही है, सही ट्रेनें चल रही है, सब चल रही है। चल रही है। जहरी बात है, आप यहाँ बैठे हो सब काम ठीक ही हो रहा होगा। नजीर साहब मेरा स्पोर्ट्स सब सब आप स्पोर्ट्स देखते हैं? हाँ, स्पोर्ट्स चलाता हूँ। वेरी गुड, स्पोर्ट्स चलाते हैं आप। नजीर भाई को सवाल लाए। मेरा सवाल फात भाई से ये है कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे कोई टिप बनाए मैं कैसे हीरो बन सकता हूँ। हल्की सी टिप पे दे देने टिप। देखिए क्यों नहीं बन सकते आप हीरो, आप सबसे पहले तो रेलवे छोड़े, पहली फुर्सत में हीरो बन जाएंगे। सुबह उठे रिजाइन दे, यही आपका सबसे बड़ा हीरोइक एक्ट होगा कि आपने एक इदारा छोड़ दिया, फिर आप बीवी छोड़े, उसके बाद फिर आप आइए। दुनिया ही रह गई है, अब उसमें भी रह के क्या करेंगे, दुनिया भी छोड़े। लेकिन सर बन सकते हैं आप, क्यों नहीं बन सकते आप, अगर एक्टिंग का शौक है तो डेफिनेटली करें। देखें अब तो यूट्यूब पे भी लोग बन जाते हैं। हाँ। बन ही गए ना, देखें तो आप भी। नजीर भाई आप डायलॉग बोल लेते हैं? नहीं। वाह, अरे नहीं मैं नहीं, खामोश फिल्में करेंगे। या इनकी फिल्में लोग खामोशी से देखेंगे? अच्छा वो वाली फिल्में पाकिस्तान में बनती भी नहीं है असल में। साइलेंट मूवी कहाँ बनी आज? चार्ली चैपलिन या पुष्पक इंडिया में बनी, हमारी एक भी नहीं बनी। नहीं सही बनी। कह रहे हैं फादर। अच्छा नजीर भाई मैं आपको एक टेस्ट करता हूँ, मैं आपको शायद चांस दे दूँ, हमारे पास वैकेंसी शामिल है। आप एक डायलॉग बोलें, डायलॉग होगा कि मैं तेरी माशूखा मौलिया। मैं तेरी माशूखा मौलिया। ये वाली जो मौला जट होगी ना, ये 800-900 करोड़ कमाएगी। वो क्या थी उसकी मौले की लाइन, मौले नू मौला ना मारे, ते मौला नहीं मारे, ये मारेगा मौले, ये मारे। वेरी गुड नजीर भाई, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप हीरो बन सकते हैं, आप हीरो हैं इनफैक्ट, अपने घर वालों के, अपनी बेगम के, बिल्कुल आप हीरो हैं। अगला सवाल। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? कासिम शाह। कासिम शाह स्टडी करते हो? जी। वेरी नाइस, कोई सवाल लाए हो? जी मेरा सवाल फहद भाई से है। फहद भाई जब आप शो करते हैं तो आप अपने शो में हमेशा लड़कियां क्यों देखते हैं? शो में प्यारे प्यारे लड़के भी तो होते हैं। लड़का बोल रहा है कि आप सिर्फ लड़कियां क्यों देखते हैं, शो पे प्यारे प्यारे लड़के भी होते हैं। हाँ, एक और दूसरी बात यह है कि जब आप शो में ये कहते हैं कि प्यारी प्यारी लड़कियां किधर हैं, तो अब जब आप अपने घर में जाते हैं तो भाभी कुछ नहीं आपको कहती इस बात पर? उसको इस लाइन का पता है, यही कह के तो फंसाया था उसको। बहुत शुक्रिया। तो मैं ये प्रैक्टिस में रहने के लिए ना बाहर ऐसे कर लेता हूँ, फिर वापस जाए कैसा बोला आज प्यारी लड़की, याद है झूठ बोलता हूँ ना मैं। नहीं एक्चुअली यार बात ये है कि हमारे ना हम एक खुश कौम नहीं है। हम खुश नहीं होना चाहते। जैसे एक मैं बड़ी आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरे शो में खवातीन आती हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू डांस इन माई शो, वो गाना चाहती हैं, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क में हम फंसे हुए हैं ना, आज तक हमें पता ही नहीं है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सही है भी या नहीं है। तो अब इतना दरमियाने मामलात है कि आप किसी को खुश होते हुए जैसे ही आप देखते हैं आप कहते हैं यार ये खुश क्यों हो रहा है, ये तो गलत, कुछ गलत होगा इसके अंदर। तो जो लोग खुश होना चाहते हैं वो आके बेचारे एंटरटेन होकर चले जाते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे शो में लोग आएँ और मुस्कुराएँ। तो मैं आंटियों को भी बुलाता हूँ, अंकल्स को भी बुलाता हूँ, लड़कियों को भी बुलाता हूँ, बच्चों को भी बुलाता हूँ, और सबसे सब कुछ कराता हूँ, और मैं सबको डांटता भी हूँ, इन्जॉय भी करता हूँ, ताकि यू नो एक उससे निकले हम कि ये कुछ गलत हो रहा है, या भाई एंजॉय करें, एंटरटेन करें, घर का माहौल है, आप इस तरह से करें। वेरी नाइस।